नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं वो है 2009 या फर्स्ट जनरेशन ह्युंडई i10। यह है इसकी चाबी, इसमें अलग से सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है ह्युंडई की। और यह है इसकी की, सिंपल सी की है। और यह है इसका फर्स्ट लुक ह्युंडई i10 का। ये मैग्ना वेरियंट है, इसके नीचे एरा और उसके नीचे डिलाइट वेरियंट आता था। और मैग्ना के ऊपर आता था स्पोर्ट्स और साथ ही साथ एस्ट्रा। तो ये इसका लुक, वाइट कलर में कार है पूरी है, और पूरी ओरिजिनल कार है। ये जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, ये सब G9 स्क्रैचेस है इस कार में। और जो कलर क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, 10 साल पुरानी कार होने के बावजूद भी अभी भी कलर बहुत शाइन मार रहा है इसका। बस मैं इसे धुला के लाया हूँ अभी, उसके बावजूद भी बहुत कार बहुत चमक रही है ये। चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो खोलते हैं हम इसके हुड को। और यह है इसका 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन, 1.2 कापा VT। और अच्छा स्पेस है इंजन की, पूरी इंजन अच्छे से कवर है। आप आगे भी देखेंगे, इधर भी तो रेडिएटर के साइड भी इतनी स्पेस नहीं है, अच्छी तरीके से इंजन कवर है। और यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं मिलता है बोनेट में। अभी भी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ठीक ठाक दिखती है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं दिखती है कि लगती है कि, ऐसा नहीं लगता इसको देख के कि बहुत पुरानी कार है ये। यहाँ पे ह्युंडई का लोगो है, सिल्वर क्रोम फिनिश है, और यहाँ पे थोड़ी सी हनीकॉम ग्रिल है। और साथ ही साथ नीचे का जो एरिया वो भी ब्लैक में है, इसमें फॉग लैम्प नहीं आते हैं। और ये इसकी हेलोजन हेडलाइट है, जो कि आपको अच्छी खासी रोशनी दे देती है रात के समय के लिए। जो इसका हुड है वो थोड़ा छोटा है, और जो इसका फ्रंट का ग्लास है वो बहुत बड़ा है। इनका रेशो में हम इसे चेक करेंगे तो ग्लास बहुत बड़ा है। और यह है इसके टायर, जो कंपनी फिटेड ही है, ब्रिजस्टोन के टायर हैं ये, ब्रिजस्टोन के। और जो साइज़ है टायर की वो है 155 ATR 13 इंच के व्हील से ही है। इसमें अलॉय व्हील का ऑप्शन कंपनी से था, आप उसे ऑप्शनल लगा सकते थे एसेसरीज के रूप में। यहाँ पे कापा इंजन की बैजिंग है, और साथ ही साथ ये एक 1.1 लीटर के IRD इंजन के साथ भी आती थी, जो कि पावर में इससे कम था और डिस्प्लेसमेंट में भी कम था। ये अराउंड 80 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, वो अराउंड 65 या 67, मैं आपको कन्फर्म नीचे इसमें वीडियो में लिख दूंगा। और मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई है उस IRD इंजन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं आई बटन में दे दूंगा। और साइड में हम इसके आते हैं तो ये डोर कलर ही इसमें हैंडल्स मिलते हैं, जो एरिया वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक की लगाने के लिए स्पेस भी दी गई है। और ये जो इसका ORVM है बॉडी कलर में ही है, और इस पर इंडिकेटर नहीं मिलता, इंडिकेटर आपको यहीं पर ही मिलता है। हाइट में कंपेयर कर रहे हैं इसे वैगन आर से, तो इसकी हाइट थोड़ी कम है वैगन आर से, बट फिर भी ये बहुत स्पेशियस कार है। पीछे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे i10 की बैजिंग है, ह्युंडई का लोगो है। यहीं से हम गाड़ी की डिक्की है, जब बूट है उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ह्युंडई का लोगो है, 1.2 जो इसका इंजन है उसकी बैजिंग है, 1.1 वाले इंजन में नहीं आती बैजिंग है। यहाँ मैग्ना वेरिएंट की बैजिंग है, और पीछे ब्लैक कलर का ये दिया गया है पट्टा, जिसकी वजह से थोड़े स्क्रैचेस कम लगे। चलते हैं इसके बूट की तरफ और इसे खोलते हैं। ह्युंडई के लोगो को ऊपर करेंगे वैसे ही ये खुल जाएगा, देख सकते हैं आप। और जो ऊपर पीछे पार्सल ट्रे भी दी गई है, थोड़ी छोटी सी है ये, इतनी स्पेशियस नहीं है बूट भी, है ज़्यादा स्पेस है ही नहीं बूट में बिल्कुल भी, मतलब कि 2-3 बैग आप रख सकते हैं इसमें, ज़्यादा सामान नहीं रख सकते इसमें, इतनी स्पेशियस नहीं है बूट ये। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है, जो कंपनी फिटेड है, और ये अभी तक ओरिजिनल है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आज तक स्टेपनी इसकी यूज़ नहीं की गई है, ना जैक वैक को निकाला गया है, हल्की बहुत जंग इसलिए लग रही है इसमें। इसमें लाइट भी आती होगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दी गई है लाइट के लिए। और चाहें तो इसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट ये पूरी एक साथ में नीचे जाती है, आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म थोड़ा यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ा टाइट हो रहा था, अब इसे हम गिरा देंगे पूरा तो जो स्पेस है वो थोड़ी बड़ी आएगी, बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर आप इतना वेट नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी है। और जो इसका एक और वेरिएंट आता था ऑटोमेटिक में, उसमें जो इसका टॉप मॉडल आता था
वो था आस्टा ऑटोमेटिक में, 4 स्पीड ऑटोमेटिक में आती थी यही इंजन के साथ, और उसमें आपको सनरूफ भी मिलता था जो कि एक कमाल की चीज़ थी इस कार के लिए। छोटी सी कार के साथ सनरूफ, ये बहुत कम होता है, और उस समय तो बहुत बड़ी बात थी सनरूफ होना ही। पीछे की सीट पर चलते हैं हम, देखते हैं कैसी स्पेस है इसमें। तो जो सीट्स है वो इस पर कवर लगा हुआ है और इनमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, और आगे की जो सीट्स है ड्राइवर्स की और पैसेंजर की, ड्राइवर और पैसेंजर की, उसमें भी आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है। और स्पेस की बात करूँ तो ये ठीक ठाक है, 2 लोगों के लिए अच्छी स्पेस है इसमें, पर 3 लोग जो पतले हों, बच्चे हों, बैठ सकते हैं इजीली, पर इतनी स्पेशियस नहीं है ये। पर लेग रूम और नी रूम अच्छा मिल जाता है इसमें। ये डोर है इसका जिस पे कि आपको बीज और ये ब्राउन कलर का मिलता है फिनिश, और यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल है, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए है, और यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है। पीछे बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट ड्राइवर सीट, और जो स्पेस मिल रही है वो डिसेंट है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें। और ये वाली जो नॉर्मल सीट एडजस्ट है वो इस स्टाइल में एडजस्ट है, और स्पेस इसमें अच्छी मिल रही है, बट जो अंदर थाई सपोर्ट है थोड़ा कम है, और हेडरूम तो अच्छा है इसमें, मतलब कि मुझे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है इसमें, और अच्छा एयरी लग रहा है कैबिन, क्योंकि जो कलर स्कीम है वो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 ग्रैब हैंडल भी मिलते हैं दो ही तरफ, और पीछे से कुछ ऐसा है इसका लुक। यहाँ से आप इजीली कुछ भी सामान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डोर्स है उनमें पॉकेट नहीं दी गई है, और बस जो सीट है उसके पीछे थोड़ा बहुत स्पेस है सामान रखने के लिए। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है मेरे को स्पेस रिलेटेड, तो इसमें मेरे पास टपरवेयर की एक पानी की बोतल है, मैं ना उसे यहाँ पे रख पा रहा हूँ ना और कहीं रख पा रहा हूँ, अगर मुझे जाऊँ तो बस सीट के पीछे रख सकता हूँ उसको, इतनी स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें ये छोटी सी। तो चलते हैं इसके फ्रंट डोर की तरफ और वहाँ से बात करते हैं हम। मैं आ गया हूँ इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं पावर विंडो को। इसमें भी मैंने आपको जिस तरह बताया, बीज और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट है, प्लास्टिक का जो यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है, एयरी फील करता है कैबिन को। तो यहाँ पे टायर साइज़, मैक्सिमम लोड और नॉर्मल लोड के बारे में लिखा गया है, और टायर के एयर प्रेशर के बारे में भी लिखा गया है, और यहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट मिलते हैं सीट के वो मिलते हैं 4 वे। आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, और यहाँ से आप इसे रिक्लाइन कर पाएंगे, जो कि मोस्टली कार्स में यहाँ पे होता है, बट इसमें वहाँ पे है। और साथ में बात करें हम इसके स्पेस की, तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग स्पेस जो सीट है वो एडजस्ट है, और मुझे ठीक ठाक स्पेस पे मिल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी बिल्कुल भी फेस नहीं हो रही है, ना मेरे पांव डैशबोर्ड से टकरा रहे हैं, ना मेरा स्टेयरिंग से पांव टकरा रहा है, क्योंकि इसमें एक और प्लस पॉइंट है, स्टेयरिंग जो है इसकी एडजस्टेबल है, आप इसे नीचे कर सकते हैं, और सीट को स्टेयरिंग को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं चाहें तो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको लाइट से कंट्रोल्स मिलते हैं इंडिकेटर के, और यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, जो ORVM है उसे आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको लाइट का लेवल, लाइट लेवलर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक एसी वेंट है राउंड शेप में, और 2 एसी वेंट बीच में, और 1 एसी वेंट वहाँ है। और जो ब्राउन और बीच कलर का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है, बीच में लाइट मिलती है, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, ना टोल रिसिप्ट रखने की स्पेस है। ये कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम नहीं है, ये एसेसरीज का एक प्रकार, एसेसरीज में लगवाया गया है सोनी का साउंड सिस्टम 4 स्पीकर के साथ। जो ग्लोव बॉक्स है वो भी ठीक ठाक स्पेस वाला है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, और जो डोर पॉकेट है वो भी इतनी स्पेशियस नहीं है, आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। बस जो मैंने आपको बॉटल का इशू बताया, वो इशू मुझे फेस हो रहा है टेपरवेयर की बॉटल के साथ, क्योंकि ये कहीं भी फिट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं, पर वो इतने बड़े नहीं हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत कॉर्न रख सकते हैं आप चाहें तो, हैंड ब्रेक है, और जो ये इधर का एरिया है यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं पीछे के पैसेंजर्स या और कुछ। पर जो इसमें एक और चीज़ ये है कि आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, अगर कुछ गिर जाता आपसे निकले नहीं तो इसे आप हटा भी सकते हैं साफ़ करने के लिए भी। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है, और एक 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे है गियर लीवर जो कि डैशबोर्ड से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस है जो कि इसे सेंटर से अलग कर देता है, मतलब जो सेंटर की स्पेस है उससे अलग कर देता है, और जो डैशबोर्ड में माउंटेड है ये। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे एक क्लॉक दी गई है,
और जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी विजिबिलिटी से रिलेटेड। तो यह है इसका मीटर जिस पर कि पन्नी लगी हुई है जो कंपनी से आती थी, अभी तक निकली नहीं है वो। अगर आप नहीं मानेंगे तो देखिए यहाँ तक अंदर तक रहती है वो, पूरी अंदर तक कवर है ये। बीच में आपको वाइट कलर पे स्पीडोमीटर मिलता है, पीछे का जो इसका कलर है वाइट अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आरपीएम मीटर है, वार्निंग लाइट्स आ रही है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर और कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर या कूलेंट टेम्परेचर हम इसे बोलते हैं। ऑडियोमीटर जो इसका 34,000 किलोमीटर G9 कार चली हुई है ये पेट्रोल में। और यहाँ पे तो आपको ट्रिप मिलती है ए और बी। निकाल लेता हूँ चाबी को, कार लॉक ना हो जाए, सेंटर लॉकिंग रहती है तो डर रहता है थोड़ा सा। तो ये एक i10 की वीडियो छोटी सी, मैंने इसे ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया है, सिंपल रखा है। और जो 1.1 IRD2 इंजन की वीडियो है वो भी मैं आपको i बटन में दे दूँगा या लास्ट स्क्रीन पर दे दूँगा, और मैं इसका ड्राइव रिव्यू भी बनाऊँगा, तो आप देखें उसे। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई अच्छी वीडियो में, टिल देन बाय।